दोस्तों, सरकारी नौकरी को लोगों में आकर्षण की एक बड़ी वजह रिटायरमेंट के बाद बेहतर पेंशन मिलना भी है। इससे लोगों को लगता है कि अगर उनको सरकारी नौकरी मिलती है तो रिटायरमेंट के बाद भी वे आरामदायक जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं तो भी आप सरकारी कर्मचारियों की तरह 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन पा सकते हैं। केंद्र सरकार की न्यू पेंशन सिस्टम यानी NPS आपके लिए मंथली पेंशन सुनिश्चित कर सकती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करता हो, बिजनेस करता हो या खेती करता हो, न्यू पेंशन सिस्टम के तहत अकाउंट खुलवा सकता है। दोस्तों, अगर 30 साल की उम्र में आप ये अकाउंट खुलवाते हैं और हर महीने 5,000 रुपए जमा करवाते हैं तो 60 वर्ष की उम्र होने पर यानी मैच्योरिटी पर आपको 45,00,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा आपको हर महीने 45,000 रुपए पेंशन मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज से 30 साल बाद जब आप रिटायर होंगे उस समय आपको मंथली खर्च के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होगी तो आप अपनी जरूरत के मुताबिक मंथली कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपकी मंथली पेंशन और मैच्योरिटी पर मिलने वाली अमाउंट भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, NPS में आप निवेश कर सालाना 1,50,000 रुपए की रकम पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। यानी अगर आप एक साल में 1,50,000 रुपए तक की NPS में जमा करवाते हैं तो इस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। इसी तरह से दोस्तों, मार्केट में और भी पेंशन प्लान जैसे LIC के पेंशन प्लान, अटल पेंशन योजना और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम इत्यादि काफी सारी पेंशन स्कीम मार्केट में उपलब्ध है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी पेंशन सिस्टम चुन सकते हैं। इन सब की डिटेल में जानकारी मैंने अपनी एक अलग पहले बनाई हुई वीडियो में दे रखी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।